और अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में, और ये नीचे आप हमारे देख रहे हैं देवप्रयाग संगम, जो नीला जल है ये है भागीरथी, और जो मिट्टी का जल आ रहा है वो है अलकनंदा। यही संगम होके गंगा नदी निकलती है आगे, और बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है आपको यहाँ देवप्रयाग से। चार धाम यात्रा में ऋषिकेश के बाद ही अगला पड़ाव रहता है, जहाँ आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं और यहाँ जो है आप संगम का व्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ से एक रास्ता जो नीचे गया ये पौड़ी जाता है, और दूसरा आपका जो है सीधे केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाता है।